हम देख सकते हैं कि बोरियो मुखपथ जो है, बोरियो ब्रेट मुखपथ में खड़े हैं, चौक में लॉकडाउन है। और आप नज़ारा देख सकते हैं, 3 बजे से 7 बजे तक जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण दुकानें हैं, दवा की दुकानें, आवश्यक वस्तु की दुकानें जो खुली है, लोगों में कुछ चहल पहल देखा जा रहा है और जो है लॉकडाउन का अनुपालन हो रहा है। और बहुत सारे बाज़ार में लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो हम जो है यहाँ के मुख्य व्यवसायी जो बंटी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अच्छा ये बताइए, लॉकडाउन जो चल रहा है, आप लोगों को क्या कोई दिक्कत कठिनाई हो रही है? हम लोगों को दुकान खोलने का आदेश मिला था 21 तारीख से, लेकिन 20 तारीख के बाद जो है हम लोग को आज आदेश हो गया कि दुकान नहीं खोलना है। 3 घंटा दुकान खोलते थे, 7 से 10, 4 से 7 शाम को। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग चाहेंगे प्रशासन से, हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का दुकान 3 घंटा जैसे खुला रहना चाहिए, जैसे खुलता था। हम लोग कृषि उत्पादन का माल बेचते हैं, कृषि का, इसीलिए पाइप वगैरह जो कृषि का होता है वही सब बेचते थे, मोटर वगैरह, समरसेबल वगैरह। और हम यही चाहेंगे कि 3 घंटा कम से कम दुकान खुला होना चाहिए। हम यहाँ के चाय दुकानदार से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मथुरा यादव। मथुरा यादव जी, ये बताइए, बीते 1 माह बीतने जा रहा है, लॉकडाउन है, क्या समस्याएं हो रही है रोजगारों का? बहुत तकलीफ है जी। तकलीफ है, दुकानदार दुकान खोलने नहीं दिया जा रहा है, दुकान नहीं खोलने देता है। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? कम से कम सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा। अब देख सकते हैं कि कुछ दुकानदारों में भी मायूसी छाया हुआ है। लोग जो है बोल रहे हैं कि कुछ प्रशासन के द्वारा ढील देना चाहिए, लेकिन महामारी जो है विकराल रूप जो है नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि चौक चौराहे में हमारे भूतपूर्व में सैनिक महोदय हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है लखन मुर्मू सर। लखन मुर्मू जी, ये जो है कहते हैं सर, टीवी चैनल में जो दिखा रहे हैं, हाँ, हमारा कहने का ये मतलब है कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा यहाँ मझुए के, मझुए गांव के रहने वाले। आप बताइए, गांव का क्या लॉकडाउन का क्या स्थिति है? लॉकडाउन का भी स्थिति ठीक है सर, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है कि खांसी वगैरह सर्दी अगर ऐसे धूप में आ जाता है तो कभी बादल भी छा जाता है, इसी के चलते सर्दी खांसी तो हो ही जाता है। लेकिन इसमें लॉकडाउन का चक्कर ये है सर, देखिए जो भी यहाँ बीमारी पैदा हो जाता है तो लॉकडाउन में ये टाउन कर देता है, इसी के चलते ये सब। चलिए, हम जो है झारखंड में लगातार जो है महामारी बढ़ रही है, इसके कारण जो है लॉकडाउन जो है सरकार जो है बहुत कड़ा स्टेप लेने जा रही है। और जो भी दुकानें जो खोलने का जो प्रखंड प्रशासन के द्वारा इजाज़त दिया गया था, आज जो है उसे पुनः जो है बंद कर दिया गया है। आवश्यक वस्तु की दुकानें खुला रहेगी, दवा दुकान, किराना दुकान और मेडिकल सुविधा, यही सब लोगों को सुविधा मिलने जा रही है।